कांग्रेस के अंदर सियासी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पिछले कई महीनों से कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद को लेकर घमासान जारी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक स्वर में अध्यक्ष चुनने की मांग की थी। हालांकि सोनिया गांधी ने इन सभी नेताओं की मांगों को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी का एजेंट बता दिया। इन सबके बीच सोनिया गांधी को एक बार फिर कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के अंदर से अभी भी आवाज उठ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया और वो अपने रुख पर कायम है। सोनिया गांधी को लिखे गए असहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के कारण पार्टी में अलग थलग किए जाने के 4 दिन बाद उन्होंने पार्टी नेतृत्व को एक और संदेश दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जो अधिकारी राज्य इकाई के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हमारे प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि चुनाव होने पर वो कहीं नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अगर निर्वाचित लोग कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे तो पार्टी हित में होगा, नहीं तो कांग्रेस अगले 50 सालों तक विपक्ष में बैठी रहेगी। आजाद ने कहा कि राज्य कांग्रेस प्रमुखों, जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव किया जाना चाहिए। चुनाव का ये फायदा होता है, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी होती है। हालांकि कांग्रेस अपने नेताओं के सुझाव को एक हमले के रूप में देख रही है। पिछले दिनों कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने भी पार्टी को सुझाव दिया था, लेकिन इसके बदले में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। वहीं गांधी परिवार के हमेशा करीबी रहे गुलाम नबी आजाद को भी पत्र लिखने की वजह से पार्टी से अलग थलग कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।